सो फाइनली माय हीरो एकेडमी का नया चैप्टर आ गया है। एंड चैप्टर काफी छोटा चैप्टर था बट काफी इम्पैक्टफुल चैप्टर था। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें एक छोटा सा हिंट मिल ही गया है कि अब चीजें काफी सीरियस हो गई है और ये सीरीज बहुत जल्द खत्म होने वाली है। और प्रीवियस चैप्टर में हम सभी ने देखा था कि स्पिनर सिग्राकी का हाथ कुरुगिरी के फेस पर रखता है, इसकी वजह से कुरुगिरी जाग जाता है और प्रीवियस चैप्टर इसी सीन पर ही खत्म होता है। एंड अगर मैं लेटेस्ट चैप्टर की बात करूं तो लेटेस्ट चैप्टर एक रिपोर्टर से स्टार्ट होता है जो वाशिंगटन डीसी में है। एंड थ्रू दैट रिपोर्टर हमें ये जानने को मिलता है कि जापान में काफी बड़ा बादल मंडरा रहा है और वो बादल नॉर्थ अमेरिका के वेदर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एंड अगेन हमें उस रिपोर्टर के थ्रू ये जानने को मिलता है कि उस बड़े बादल के बनने के पीछे एंडेवर, सोतो एंड डाबी का हाथ है। एंड विद दैट हमें इसी पैनल के बैकग्राउंड में एंडेवर, डाबी एंड सोतो को भी दिखाया जाता है। एंड सिंस ये तीनों ही फायर रिलेटेड क्वर्क यूज कर सकते हैं तो मे बी उसी की वजह से बादल वगैरह बन रहे हैं। तो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल सीन चेंज होता है और हम कमिनो वार्ड पहुंचते हैं जहां डाबी और सोतो लड़ रहे थे। एंड इस सीन में हम देखते कि डाबी काइंड ऑफ अ सुपर सेन मोड में चला गया है एंड काफी सारे हीट वेव्स आ रहे हैं उसके बॉडी से। और ये चीज देखकर ईडा सोतो को कहता है, सोतो तुम ऐसे इन वेव्स के सामने खड़े नहीं हो सकते हो, तुम्हारे अल्टीमेट मूव ने तुम्हें कमजोर बना दिया है। एंड इसका रिप्लाई देते हुए सोतो सरप्राइजिंगली कहता है, हम सभी ने अपने लिमिट को पार किया है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, तो फिर सिर्फ डाबी ही क्यों अभी भी खड़ा हुआ है? मेरे फादर का खून हम दोनों में दौड़ता है तो सिर्फ वही ही क्यों खड़ा है? सो आई गेस फ्यू चैप्टर्स बैक हमें काइंड ऑफ अ हिंट मिल ही गया था कि डाबी अभी भी हारा नहीं है। इस सीन को देखने के बाद ये प्रूफ हो ही गया है कि डाबी अभी भी लड़ सकता है एंड आई गेस दिस इज काइंड ऑफ अ हिज लास्ट एफर्ट। एंड इस सीन में हम ये भी देखते हैं कि डाबी की बॉडी ऑलमोस्ट जल चुकी है एंड वो काइंड ऑफ अ इन्फर्नो लग रहा है फायर फोर्स वाला। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल डाबी मन ही मन सोचता है एंडेवर अभी गुंगा माउंटेन में है जो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है और अगर मैं अभी सोतो से लड़ा तो मेरी बॉडी हार मान जाएगी। तो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि डाबी उड़ने की कोशिश कर रहा होता है एंड बेसिकली वो गुंगा माउंटेन जाना चाहता है एंडेवर से लड़ने के लिए। एंड इसी बीच हमें स्केप्टिक की वॉइस सुनने को मिलती है जो डाबी को कहता है, मैंने कहा था तुम्हें ज्यादा एक्साइटेड नहीं होने का बट अब लगता है कि तुम्हें एक फ्री राइड मिलने वाली है। एंड आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि एक पोर्टल ओपन हो जाता है एंड डाबी उस पोर्टल में घुस जाता है एंड इट इज ऑब्वियस दैट कि वो पोर्टल कुरुगिरी का ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि he is now in action and अब यहाँ से बहुत कुछ बदलने वाला है। So after that in next panel scene change होता है और हम यूई पहुँचते हैं जहाँ मिदोरिया एंड सिग्राकी स्लैश अल्फा वन अभी भी लड़ रहे होते हैं एंड क्योंकि सिग्राकी और डेकू की फाइट एकदम घमासान हो रही है जिसकी वजह से यूई एकदम अनस्टेबल हो गया है एंड इसी वजह से मोनामो और मैनुअल को काफी मुश्किलें आ रही है अपने क्वर्क को लगातार यूज करने में। तो इसके बाद नेक्स्ट पैनल हम सिग्राकी और डेको को देखते हैं जो अभी भी लड़ रहे होते हैं एंड तभी इन नेक्स्ट पैनल आइजवा और मोनामो के पीछे एक पोर्टल ओपन हो जाता है जहाँ प्रेजेंट माइक भी होता है। तो इसी सीन में हमें ऑल्फन की बातें भी सुनाई देती है जहाँ वो ये कहता है कि लोग बचपन में जो एक्सपीरियंस करते हैं उस टाइप के इंसान बन जाते हैं और मैं लोगों के फीलिंग्स पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। स्पिनर ने एक डार्क लाइफ जिया है और इसलिए स्पिनर की फीलिंग उसके दोस्त के प्रति बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया है। तो इस पूरे सिनेरियो को पढ़कर एनालाइज कर एक बात तो श्योर हो गए कि ऑल्फा वन वाकई में एक जीनियस है, मतलब रियल मास्टरमाइंड है वो। एंड जिस तरीके से अब ये फाइट आगे बढ़ रहा है डेफिनेटली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट पैनल सीन चेंज होता है और हम गुंगा माउंटेन पहुंचते हैं जहां एंडेवर हॉक ऑल्फा वन से लड़ रहे होते हैं, जहां हमें ऑल्फा वन के थ्रू ये पता चलता है कि सिग्राकी के हाथों पर माइक्रोचिप लगी हुई थी एंड इसी की वजह से कुरुगिरी होश में आया। तो उसके बाद नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि दोबारा एक पोर्टल ओपन होता है जहां से डाबी और दो ट्वाइस क्लाउन आते हैं एंड बेसिकली वो ट्वाइस के क्लाउन टोगा ने यूज किया है बिकॉज वी ऑल नो दैट टोगा वो क्वर्क वगैरह कॉपी कर सकती है अगर उसे वो प्रॉपर खून मिले तो। एंड ट्वाइस को दोबारा देख कर ये भी कन्फर्म हो जाता है कि सैड मैन परेड होने वाला है एंड इसलिए इन लास्ट पैनल हॉक चिल्ला के बोलता है वी हैव टू किल हिम नाउ क्योंकि अगर सैड मैन परेड हुआ तो हीरोज हार जाएंगे। तो ओवरऑल ये चैप्टर एकदम ऑसम था एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग अब लगता है कि ये चैप्टर कहीं आगे बढ़ रही है, मतलब अब लग रहा है कि सीरीज काफी जल्दी खत्म होने वाली है। एंड टू बी ऑनेस्ट इस चैप्टर से मुझे एवेंजर एंड गेम वाली वाइब आ रही थी जो कि सही बात है, अच्छी बात है। एंड एट द एंड मुझे अब ये लगता है कि सारे हीरोज एंड विलन्स एक साथ लड़ेंगे जो देखने में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके अलावा अगर आपने माय हीरो एकेडमी का प्रीवियस चैप्टर का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन मिस कर दिया है तो जल्दी से वाला वीडियो देख लो। एंड अगर आप सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो, इंस्टा ट्विटर वगैरह चलाते हो तो मुझे वहां फॉलो करो, बातचीत करते रहेंगे। एंड बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। तब तक मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।